शहर में शुक्रवार से लॉकडाउन के नियमों को कड़ा किया गया है। शहर में हर जगह पुलिस का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। दिन रात पुलिसकर्मी भूखे प्यासे शहर के चौराहों पर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते दिखाई दे रहे हैं। लॉयंस क्लब की ओर से पुलिसकर्मियों को खाने की चीज़ों का वितरण किया गया। हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने बरडी परिसर का जायजा लिया है, आइए डालते हैं एक नज़र। शहर में जो है कल से जो है बेवजह घूमने वालों के खिलाफ जो है एंटीजन रैपिड टेस्ट की जा रही है, जिसको देख के हम देख पा रहे हैं कि आज बरडी के परिसर में है और पूरा सन्नाटा जो है हमें दिखाई दे रहा है। लोग बेवजह नहीं घूम रहे हैं। नमस्ते, मैं लायंस क्लब नागपुर लीजेंड के तरफ से आज हमने यहाँ पे जो कोरोना वॉरियर्स है, एक्चुअल कोरोना वॉरियर्स पुलिस लोग, इनको एक छोटी सी मदद लायंस क्लब की तरफ से हम दिए हैं। और ये आज सवेरे से 8 बजे से यहाँ पे ड्यूटी पे है, ना कुछ खाए पिए, तो एक छोटी मदद हम करना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि आज भी भूखे प्यासे बैठे हैं, आप देख रहे हैं, उनको भी एक लायंस क्लब की तरफ से हमने आगे बढ़ाया है। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि आपके आजू बाजू में जो भी कोई भूखे प्यासे लोग हैं, उन्हें कुछ खिला के ये कठिन समय हमको पार करना है सब मिलकर। मैं अर्जुन बोजवानी, मेंबर लायंस क्लब नागपुर लीजेंड। हम लोग पुलिस वाले जो हैं, ये एक्चुअल वॉरियर्स हैं जो हमारे अपने नागपुर के नागरिकों की रक्षा करते हैं। और कोरोना के टाइम पे भी ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक खड़े रहते हैं ड्यूटी पे। तो हम लोगों को लगा कि ये लोग सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, तो इनके लिए कुछ हमने करना चाहिए करके हमने तो इनके थोड़ा रिफ्रेशमेंट आइटम्स, इलेक्ट्रॉल वगैरह ये सब चीज़ें लाई इनके लिए, इनको बांटी है। और ये कई दिनों तक हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये लोग बोलेंगे। और लायंस क्लब हमेशा चाहेगा कि ये लोग भी सही रहें। और इसके बाद में हम लोग नर्सेज डॉक्टर सबके लिए करने वाले हैं, तो जैसे जैसे होते जाए। तो हमने देखा कि जो है आज जो है रश जो है शहर में कम दिख रहा है। जैसे कल से जो है एंटीजन रैपिड टेस्ट बेवजह घूमने वालों के खिलाफ की जा रही है। लायंस क्लब द्वारा भी बर्डी परिसर में हमने देखा कि भूखे प्यासे और जो पुलिस कर्मचारी है उनने जो है यहाँ पे कुछ खाने का सामान बांटा गया। आज हम देख पा रहे हैं कि बर्डी का ये जो इलाका है पूरा शांत दिखाई दे रहा है। लोग लॉकडाउन लगने के बाद भी लोग काफ़ी मात्रा में घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन कल जो शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार है उनके आदेश के अनुसार जो है बेवजह घूमने वालों की एंटीजन रैपिड टेस्ट की जा रही है, उसको देखते हुए शहर के लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का ये हुआ है कि हम बाहर निकलते बेवजह घर से तो हमारी भी रैपिड टेस्ट ना हो जाए, इसीलिए लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे। और आज शहर जो है पूरा सुनसान दिख रहा है, लोग बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।